शहीद किसी एक घर का नहीं पूरी कौम के होते हैं। विहाड़ी में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। 9 मई के वाकये की भरपूर मजम्मत। मजीद कहा, आज नून लीग का इज्तमा शहीदों के नाम करती हूँ। 9 मई को जो वाकया सानिया हुआ था, हमारे मुल्क के साथ मेरा दिल बहुत जला हुआ है। मुस्लिम लीग नून के नौजवानों का ये इज्तमा इस मिट्टी के शहीदों और गाजियों के नाम करती हूं मैं। शहीद सिर्फ फौज के नहीं होते, शहीद किसी इदारे के नहीं होते, शहीद पाकिस्तान के होते, इस मिट्टी के होते। सानिहा 9 मई के बाद कप्तान के खिलाड़ी मैदान छोड़ने लगे। मुल्तान से पीटीआई रहनुमा आसिफ ऐवान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई से ऐलान लातालु की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मौजूदा हालात में सियासत से किनारा कशी कर रहा हूं, किसी जमात का हिस्सा नहीं हूं। वाकये की आड़ में गिरफ्तार बेगुनाहों की रिहाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ छोड़कर आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना की पीटीआई रहनुमा राणा परवेज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राणा परवेज की 9 मई के वाकयात की मजम्मत। पूरे ग्रुप के हमरा मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर को मुल्तान पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। साबिक एमएनए जिला कचहरी खानेवाल से फरार हो गए थे। आमिर डोगर को मुल्तान शेरशाह मोड इंटरचेंज से गिरफ्तार किया। सेक्रेटरी हेल्थ हरिजान के तहसील अस्पताल हासिलपुर रामद नाफिस इंतजाम पर इजहार बरहमी। एमएस पर बड़े पड़े अस्पताल में दस्तियाब वसाइल बरोए कार नालान पर नोट। बहावलपुर में जनूबी पंजाब की दूसरी बड़ी सब्जी मंडी में सहूलियात का फुकदान। दो फिल्ट्रेशन प्लांट्स एक बार फिर बंद। ठंडे पानी की अदम दस्तियाबी, ताजर और शहरी सरापा एहतजाज। कोटद्दू में महकमा पब्लिक हेल्थ की मुबैना नाअहली। साफ पानी फ्राहमी का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 2 करोड़ लागत से तैयार इमारत खस्ता हाली की तस्वीर। मियावाली में ब्रेर अहमद बनी जहमत। नाला बड़ोच बिफर गया, पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल, मुमकिना सैलाब के खतरा। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा रेवेन्यू को जायजा लेने की हिदायत कर दी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 से 31 मई तक डीजी खान, मियावाली, रहमीर खान और बहावलनगर समेत कई शहरों में बाज मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। गंदम की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ कार्रवाइयां। बेहतरीन कारकर्दगी पर फूड इंस्पेक्टर राणा इरफान अली को खानेवाल में कार्रवाइयों का इख्तियार दे दिया। राणा इरफान अली चारों तहसीलों में कार्रवाइयां कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीएनजी बोर्ड अली सरफराज हुसैन की जर सदारत सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। हेल्थ और रोड सेक्टर्स की दो तरक्याती स्कीमों के लिए 13 अरब रुपए से ज्यादा फंड की मंजूरी। चिल्ड्रन हस्पताल और इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मुल्तान। इमरजेंसी टावर की तामीर के लिए 6 अरब करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर। जनूबी पंजाब में ट्रेन के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। 1 जून से जकरिया एक्सप्रेस की बहाली का हतमी फैसला। ट्रेन मुल्तान कैंट से शाम 4 बजे कराची के लिए रवाना होगी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की महाना रिकवरी रिपोर्ट। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बाजी ले गई। 32 अरब 57 करोड़ रुपए की वसूलियां। रिकवरी की शरह 97.68% रही। डीजी एक्साइज मोहम्मद अली की डिविजनल ऑफिस सरगोधा आमद। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के रिकॉर्ड का जायजा। सील की गई इमारतों का भी मुआयना किया। रिकॉर्ड मर्तकब न करने पर इजहारे बरहमी। डीजी एक्सटेंशन रिसर्च एंड प्रोडक्शन जनूबी पंजाब डॉक्टर महमूद एजाज का
जलालपुर पीरवाला का दौरा। सिविल वेटरनरी अस्पताल में सहूलियात का मुआयना किया। पौधा लगाकर शिशुकाली मुहिम का भी आगाज। एडिशनल डायरेक्टर लालस्टॉक की लंग स्किन डिजीज के खिलाफ हिफाजती इंतजाम बारी ब्रीफिंग। वजीर हाई एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मंसूर कादर का बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर ने सूफीज्म डिपार्टमेंट समेत रहमान खान के असातिज़ा की सुनी गई। 407 मुस्तकिल 250 के पेंशन केसेस हल। 10 असातिज़ा के इंतकाल पर इनके बच्चों को नौकरी दी गई। बैरून मुल्क जाने वाली 14 फीमेल टीचर्स मुअत्तल। रहीम खान की असातिज़ा की सुनी गई। 400 असातिज़ा मुस्तकिल 250 के पेंशन केसेस हल। 10 असातिज़ा के इंतकाल पर इनके बच्चों को नौकरी दे दी गई। बैरून मुल्क जाने वाली 14 फीमेल टीचर्स मुअत्तल। डेप्यूटी कमिश्नर लैया खालिद परवेज की जिला सदारत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। सीईओ जैद ने डेप्यूटी कमिश्नर को इंसाइडर डेंगू की कार्रवाई बारे ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर का खतरात के पेश नजर एंटी डेंगू टीमों की निगरानी का हुक्म। पखर में डीपीएस की इमारत का काम मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने इफ्तिताह किया। बच्चों ने टेबलोज और मिली नगमे पेश किए। इफ्तिताही तकरीब में चारों सूबों की सकाफत के रंग नुमाया। फलों के बादशाह ने मार्केट में कदम जमा लिए। मुल्तान के फ्रूट मार्केट में आम की नीलामी का अमल जारी। खरीदारों की कसीर तादाद मंडी में पहुंच गई। मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स में सिलेक्शन। डीपीओ डीजी खान रवाना। एसपी इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद को चार्ज दे दिया। डीपीओ मोहम्मद अरशद की हिदायत के एजाज में अलविदाई तकरीब। आवाम को दरपेश मसाइल हल करने का मिशन। डीसी डीजी खान की खुली कचहरी। आवामी शिकायात पर फौरी हल के लिए अहकाम। रिकॉर्ड महफूज किया जा रहा है। तादरसी तरजीह है। महर्षा जमान लग की गुफ्तगू। उधर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की जितोई में खुली कचहरी। जनूबी पंजाब में पाक फौज से इजहार यकजहती। लैया और बुरेवाला में रैलियां। सानिया 9 मई की मजम्मत। वतन की खातिर पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा गया। पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मुल्तान में पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप। एचआईवी एड्स और दीगर टेस्ट। इधर एयरफोर्स शाहीन फाउंडेशन कबाइलियों की खिदमत।